अहो व्यास नंदनाय नम सदक्षिणागम नमस्कुरु। हाथ जोड़ के सुखदेव जी का ध्यान कर लीजिएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम रतद्रव संयुतम व्यवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावुका नमस्कारम समर्पयामि श्री सुखाय नमः। पूजा कर्मा करने श्री सुख प्रियता नमः। श्रीमद्भागवत पूजनम। भागवत भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। ओम पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजनीवते यज्ञं वष्टुधिया वसु। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे। पाद्यादिभिसंपूज्य ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि यक्षतान् पुष्पाणि चन्दनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठौ पञ्चचन्दनं प्रतिगृहीतां वाङ्मये श्रीकृष्णमूर्तये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तुलसीं हिमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमुग्रदां तुभ्यम् अर्पयामि। हरिप्रियां तुलसीपत्रं समर्पयामि। कल्पवृक्षाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनियं जलं सदक्षिणागम नमस्करोमि। भागवत भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां व्याज समन्वितां तां च भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणीं। नमस्कारं समर्पयामि एक बार जल चढ़ाई पूजा कर्म भागवत प्रभु प्रियता नमः। महत बालकृष्ण पूजनां वंशी विभूषित करान नवनी रदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चंद्रम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि तुलसी पत्रम समर्पय पुष्पमालां समर्पयामि सदक्षिणागम नमस्करोमि। बालम नवीन सतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघरुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदनमहं मनसा स्मरामि। अनेन पूजन कर्मा के दिन श्री बालकृष्ण प्रभु प्रियता नमः। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादो बाहुरपरो हरि अभाल लोचना शंभुर भगवान बादरायण। गंधा पांतु सौमंगलंचास्तु पुष्पाणि पांतु सौश्रियामस्तु व्यासाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्करोमि। बाबूजी इधर आइए थोड़ा। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मूल ग्रंथाय नमः। नमस्करोमि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते वासनाथ वासुदेवस्य वासुदं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माला देव्यै नमः। मंगलमूर्तये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि मंगलमूर्तये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनां देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। खाटू श्यामाय नमः। खाटू देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओं कालभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशुकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कंधादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां दयाख्यां त्रिशत्पर्वतां सेवतां सिद्धकामही पराम्बा जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः। नमस्करोमि।
कांति श्रितामशतनिंदित सारदेन्दुरु यत्रै गतो विलसितामशतांग शोभां वृंदावने विकृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि नमः नमस्करोमि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवार परपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम ब्राह्मणानाम अर्चनाम पश्चात पितृस्वरणाम पूजनाम मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल प्रीति रीति दोवन की मंगल प्रीति रीति दोवन की मंगल कांति है शनि दशनन की मंगल मुरली बीना धुन की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल बनिक त्रि भंग हरि की मंगल सेवा सब सहचर की मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की मंगल जबिन नन में अटकी मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल छटा कवि अंग अंग की मंगल गौर श्याम रस रंग की मंगल अति कटि पियन पट की मंगल चित बनी नागर नट की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल शोभा कमल नयन की मंगल माधुरी मृदुल बैन की मंगल वृंदावन मगट की मंगल क्रीड़न जमुना तट की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल चरण अरुण तरुवन की मंगल करनी भगति हरिजन की मंगल जुगल प्रिया भावन की मंगल श्री राधा जीवन की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल प्रीति रीति दोवन की मंगल प्रीति रीति दोवन की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की आराध्यम समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ॐ देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकुदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् अत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरि ओं जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तान् धर्माण प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्तिसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमित्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्वपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषद्लोको अवगीरो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामपरे विश्वे देवासवासदिति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोर्मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् सम्बाहु विरान्तमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयासे वन्दे कालकुलजाम्बकपाटला पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै वेल्वा प्रबालतुलसीदलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहणौ परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिये भागवत भगवान् की श्री सुखदेव जी महाराज की जय वेदव्यास जी महाराज की आनंद बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे। सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करके और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। But
रघुवंशम
शनाथम करुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरे वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम चंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री नीम करौली भगवान की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम करारविंदे नपदारविंदम अरविन्दे बिन वेषयन्तं वडस्य पात्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा दामोदर माधवेति सो
राधे 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 तू शाम से मिला दे, राधे 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 तू शाम से मिला दे, राधे 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 तू शाम से मिला दे, राधे राधे श्यामा प्यारी, राधे राधे श्यामा प्यारी, राधे राधे प्यारी किशोरी, राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल राधे बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल राधे कृष्ण बोल राधे कृष्ण कृष्ण बोल राधे राधे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण राधे बोल 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 राधे 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 श्यामा राधे 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री ब्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के दूसरे दिवस की कथा को यहां प्रारंभ करते हैं। कल के कथा सत्र में श्रीमद् भागवत महात्म कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। महिमा ही प्रेम की जननी होती है। श्रीमद् भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ तब श्रीमद् भागवत में प्रेम हुआ और भागवत जी को प्रेम शास्त्र बताया गया है। तो प्रेम के साथ ही प्रेम शास्त्र में प्रवेश किया गया। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश किया। किसी भी पुराण का जब प्रारंभ होता है, किसी भी सदग्रंथ का जब प्रारंभ होता है, तो वहां मंगलाचरण का दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया तो वहां भी प्रारंभ में मंगलाचरण का दर्शन है। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जैसा दिव्य है ऐसा किसी दूसरे पुराण में देखने को नहीं मिलता। अपने आप में अद्भुत और अनूठा है श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया इसमें, जिसके द्वारा इस जगत का जन्म होता है, पालन होता है, संहार होता है। वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, वो परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। वो ब्रह्मा भी नहीं है,
प्रत्युत जिनों ने अपने संकल्प मात्र से श्री ब्रह्मा जी को वेद के ज्ञान का दान कर दिया, जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वान जान नहीं पाते, जानने का प्रयास करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में हमें जल में थल की भ्रांति होती है, थल में जल की भ्रांति होती है, ऐसे ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति मिथ्या सृष्टि जिसके कारण हमें सत्यवत प्रतीत होती है, ऐसे माया से परे सत्य परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये मंगलाचरण भैया, इसका प्रारंभ जकार से किया गया, जन्माद्यस्य। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का प्रारंभ जकार से क्यों किया गया? जकार को हमारे यहां दग्धाक्षर माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के मन में असंतोष है, हृदय उनका दग्ध है, तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। देवर्षि नारद ने चतुःश्लोकी भागवत श्री वेदव्यास जी को दी और श्री वेदव्यास जी ने उन्हीं चार मंत्रों को 18,000 मंत्रों में बदल करके रख दिया, वही कहलाया श्रीमद् भागवत महापुराण। मन खिन्न था, हृदय दग्ध था, इसलिए जब उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा तो इसका प्रारंभ जकार से किया, दग्धाक्षर से किया। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिस गीत को गाया उसका नाम है गोपी गीत। गोपियों ने भी जब मिलकर के गोपी गीत का गान किया तो उन सबका हृदय भी दग्ध था, मन में असंतोष था, श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और मेरे गोविंद को प्राप्त करने के लिए गोपी गीत का गान उन्होंने किया। आपको पता है गोपी गीत का प्रारंभ भी किस अक्षर से हुआ है? गोपी गीत का प्रारंभ भी जकार से हुआ है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षुतावकास त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। ये जकार से ही प्रारंभ किया गोपियों ने गोपी गीत को, क्योंकि उनका हृदय भी दग्ध है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी जकार से है। भैया, बोतल में जो होगा वही उससे बाहर निकल करके आएगा। यदि बोतल में जल है तो जल बाहर निकलेगा, यदि बोतल में दूध भरा है तो दूध ही बाहर निकलेगा। श्री वेदव्यास का हृदय दग्ध है, इसलिए जकार से श्रीमद् भागवत को प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य, श्रीमद् भागवत में तीन मंगलाचरण हैं। पहला मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी के द्वारा है, दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव जी के द्वारा है और तीसरा मंगलाचरण सूत जी महाराज के द्वारा है। तीन मंगलाचरण हैं भागवत में और हमारे जीवन की तीन ही मुख्य अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों ही अवस्थाओं के प्रतीक हैं भागवत के तीनों मंगलाचरण। भैया, अपने जीवन की तीनों अवस्थाओं में जो श्री कृष्ण का भजन करता है उसका आचरण अपने आप ही मंगलमय हो जाता है।
जीवन की इन तीनों मुख्य अवस्थाओं में जो श्री कृष्ण का चिंतन करता है, मेरे गोविंद का भजन करता है, उसका मंगलमय आचरण ही दूसरों के लिए मंगलाचरण हो जाता है। हमारे जीवन में यदि बचपन में महाभारत आ जाए, युवावस्था में रामायण आ जाए और वृद्धावस्था में श्रीमद् भागवत आ जाए, तो समझना मेरे गोविंद की प्राप्ति निश्चित है। फिर मृत्यु भी क्या बिगाड़ सकती है। महाभारत आ जाए बचपन में, अर्थात उसकी शिक्षाओं को बचपन में धारण करें। रामायण आ जाए युवानी में, रामायण की मर्यादा को युवावस्था में धारण करें। और भागवत जी आ जाए वृद्धावस्था में, तो मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है। तीन मंगलाचरणों का दर्शन है। महाराज श्री वेदव्यास जी के द्वारा जो मंगलाचरण किया गया है, इसको वस्तु निर्देशात्मक माना जाता है। इस मंगलाचरण में वैदिकत्व और सत्यत्व का कुशलता के संग मिश्रण किया गया है। इन दोनों के समन्वय को जितनी सुंदरता से इसमें किया गया है, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होने लगता है। श्रीमद् भागवत का यह मंगलाचरण शार्दूल विक्रीडित छंद में माना जाता है। सत्यम परम धीमहि, यह मंगलाचरण अनूठा इसलिए है कि दूसरे पुराणों के मंगलाचरणों को जब देखते हैं, किसी दूसरे सदग्रंथ के मंगलाचरण को देखते हैं, तो उस मंगलाचरण में उस ग्रंथ के प्रधान देव अथवा देवी की वंदना की गई होती है। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण विशेष इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें किसी देव की वंदना की गई और ना ही इसमें किसी देवी की वंदना की गई। कोई नाम तो ना लिया यहां पर, सत्यम परम धीमहि बस। यदि चाहते तो यहां आ जाता कृष्णम परम धीमहि, यदि चाहते तो यहां आ जाता रामम परम धीमहि, यदि चाहते तो यहां आता शक्तिम पराम धीमहि, लेकिन नाम ना लिया किसी का। ये श्रीमद् भागवत महापुराण संप्रदाय निरपेक्ष महापुराण है। अब यदि श्री कृष्ण का नाम आता तो द्वारका वाले कहते भागवत जी हमारी हैं, यदि श्री राम का नाम आता तो अयोध्या वाले कहते भागवत जी हमारी हैं, यदि भगवती का नाम आ जाता तो विंध्याचल वाले कहते भागवत जी हमारी हैं। लेकिन भागवत जी तो आप सबकी हैं। सत्यम परम धीमहि के द्वारा ये बता दिया गया कि आप इष्ट के रूप में किसी का भी भजन करते हो, वो चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, वो शिव हो, चाहे दुर्गा हो, आप बैठकर के भागवत की कथा का रसपान कर सकते हो। हम इष्ट के रूप में किसी को भी भजते हो, अपने इष्ट को सत्य अवश्य मानेंगे। धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं अपने इष्ट को सत्य नहीं मानता। सत्य की परिभाषा में सभी सम्मिलित हैं। हमारे उपनिषद ये कहते हैं, गाय किसी भी रंग की हो उसका दूध सफेद ही होगा। अब बाहर से श्री राम कहा, चाहे श्री कृष्ण कहा, चाहे शिव कहा, चाहे दुर्गा जी कहा, लेकिन मूल में वो आराधना सत्य की ही है। सत्य के ही ये सब विभिन्न रूप हैं सज्जनों। एक घर में
एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ। एक स्त्री निकल के आई, उससे पूछा गया ये कौन है? उसने कहा आपको नहीं पता, ये मेरे पति हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद एक बच्ची खेलती हुई उधर आग निकली, उसको पूछा बेटा ये कौन है? कहा आपको नहीं पता, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद एक वृद्ध माताजी निकल करके आ गई, कहा माताजी आप बताइए ये कौन है? कहा अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद एक स्त्री निकल करके आई, उसको पूछा ये कौन है? आपको नहीं पता, ये मेरे भाई हैं। अब आप ये विचार करो कि इनमें कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। ये सभी सत्य बोल रहे हैं। संबंध भिन्न भिन्न हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है। संबंध भिन्न भिन्न हैं, लेकिन व्यक्ति जैसे एक है, ऐसे ही श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, मूल में वो वंदना सत्यम परम धीमहि सत्य की ही होगी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता। सत्य में सभी सम्मिलित हैं। जीवन में निष्ठा एक में रखना और प्रतिष्ठा सबको देना। निष्ठा एक ही इष्ट होता है, उसी में होती है, लेकिन प्रतिष्ठा तो सबको दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि यदि मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं तो मैं श्री राम के मंदिर में जाऊं तो मेरी कृष्ण भक्ति के ऊपर कोई आंच आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं शंकर जी के मंदिर में चला गया तो मेरे भजन पर कोई असर आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। यदि मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं तो मुझे श्री राम में भी श्री कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। यदि मेरे इष्ट श्री राम हैं तो मुझे शिव जी के हृदय में वही बैठे हुए दिखाई देने चाहिए। इसलिए निष्ठा एक में रखना जीवन में, लेकिन प्रतिष्ठा अपने इष्ट के प्रत्येक रूप को देना। एक रूप में तो पूज लिया और दूसरे रूप में अवहेलना कर दी। अब बताओ भगवान भी क्या फल दें? इसलिए निष्ठा एक में प्रतिष्ठा सबको। भगवान का श्रेष्ठ भक्त वही है, उत्तम भागवत वही है जो सब में अपने इष्ट का दर्शन करे, सब में अपने प्रभु को देखे। सत्यम परम धीमहि। भैया, सत्य का आदर जिसने किया उसने भगवान की वंदना कर ली। पांचों पांडवों में एकमात्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर प्रभु के धाम गए। आप जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये पांडवों की। आपने कभी विचार किया कि श्री कृष्ण को तो पांचों पांडवों में सर्वाधिक अर्जुन प्रिय थे। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र भी हैं और वे श्री कृष्ण को अपना इष्ट भी मानते हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी का विवाह भी अर्जुन के ही साथ हुआ, लेकिन वे अर्जुन सा शरीर प्रभु के धाम ना गए। वो सम्मान अंत में युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। क्यों हुआ ये भेद? केवल सत्य के आदर के कारण। युधिष्ठिर जी ने आजीवन सत्य का आदर किया और सत्यम परम धीमहि, तो जो परिणाम में सम्मान युधिष्ठिर जी को मिला वो सुभद्रा के पति अर्जुन को भी प्राप्त ना हुआ। सत्य की बड़ी महिमा है।
सत्य का आदर ही ईश्वर का आदर है। महामुनि श्री वेदव्यास के द्वारा निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें मोक्ष पर्यंत फल कामना से रहित परम धर्म परमात्मा का निरूपण हुआ है। ये तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली दिव्य भागवत की कथा, जो इस कथा को सुनता है श्री हरि उसके हृदय में आकर के बंधी हो जाते हैं। मेरे गोविंद को बांध लेने वाली कथा है श्रीमद् भागवत की। अद्भुत है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दमृद्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। गलितम फलम, इतना पक गया, बिल्कुल रस से भरा हुआ है, गल गया है। ठीक है, हमने मान लिया कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, लेकिन ये पक गया इसका प्रमाण क्या है? देखो, संसार में किसी वृक्ष के फल को तोता जाकर के जब अपनी चोंच लगा देता है, वो फल कभी भी खट्टा नहीं हो सकता। अब या तो उसके लगाने से मीठा हो जाए, अथवा मीठे फल पे ही वो चोंच लगाए, ये अलग बात है। लेकिन शुकतुंड संस्पृष्ट जो फल होता है वो मीठा ही होगा, खट्टा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गलितम फलम, ये फल पक गया है, इसका प्रमाण ये है कि शुक मुखादमृद्रव संयुतम, भगवान शुकदेव का मुख श्रीमद् भागवत की कथा से लग गया है, और शुकदेव जी ने अपने मुख से जिस कथा का गान किया है वो भागवत रूपी फल तो पका हुआ होगा, रस से भरा होगा। ठीक है महाराज, फल में तो कोई ना कोई त्याज्य अंश होता है, उसके छिलके को त्याग दिया जाए अथवा उसकी गुठली को त्याग दिया जाए, तो आप बताइए ना कि श्रीमद् भागवत फल में त्याज्य अंश क्या है, उसको हम ग्रहणी ना करें, त्याग दें? भैया, श्रीमद् भागवत में अथ से लेकर के इति तक सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, इसमें त्याज्य अंश तो कुछ है ही नहीं। श्रीमद् भागवत का संस्कृत मूल पाठ जब होता है तो विद्वान ब्राह्मण लोग अध्याय का नाम भी पाठ में सम्मिलित करते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। इसमें त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं, क्या छोड़ा जाए? तो महाराज, ये फल कैसा जिसमें ना छिलका ना गुठली? बोले, ये फल तो केवल जमा हुआ रस है, घनीभूत रस है, और जब किसी वक्ता का मुख लगता है तो यही घनीभूत रस द्रवीभूत होकर के बहने लग जाता है, और जब ये रस बहे, पिवत भागवतम रसमालयम, इस रस का पान करना चाहिए। संसार में फल के रस का पान मुख से किया जाता है, लेकिन भागवत रस का पान इन कानों से किया जाता है। हमको भगवान से सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवान का तो कथा में केवल हमारे कान चाहिए। इन कानों में ये भागवत रस भर भर करके इसका पान किया जाए, इसको पिया जाए, चूक ना जाना, छूट ना जाए, इसका तो पान करना है। ये दोनों कान प्याले हैं, भागवत रस को भरो, पान कर लो। पिवत भागवतम रसमालयम, ठीक है महाराज, ये भागवत रस का पान कानों से करें, लेकिन कब तक? कोई सीमा तो होगी। आप हर महीना में एक कथा यहां करोगे तो कब तक इस रस का पान करेंगे? कोई सीमा तो होगी है? का सुनो, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, मोक्ष पर्यंत जब तक जीवन है आपके पास, हमारे पास,
जब जब अवसर मिले इस भागवत रस का पान करना चाहिए। और एक बार कथा जिसने सुन ली उसने कहा हमने तो पूरी कथा सुन ली, हाँ अब नहीं सुनना दोबारा, तो समझना चाहिए कि अभी भागवत रस का चस्का लगाई नहीं है। चींटी यदि एक बार चीनी को चख ले तो वो ये कभी नहीं कहती कि अब मैं दोबारा मीठे को ना चखूं। जब जब अवसर मिले तब तब चींटी चीनी को मीठे को चखेगी, अपने आप रास्ता बना के अपनी जगह पहुंच के मीठे को चख लेगी। तो भैया जब चींटी चीनी से कभी तृप्त नहीं होती तो हम एक बार भागवत पान करके कैसे ये तृप्त हो जाए कि हमने तो कथा सुन ली अब क्या सुनना है। ये रस तो ऐसा है कि इसका चस्का लग जाए तो इसके बिना वैसी ही तड़फन होने लगती है जैसे मछली जल के बिना तड़पने लग जाए। श्री कृष्ण की कथा में ऐसा कर्षण है, ऐसा खिंचाव है कि एक बार इसके रस का चस्का लगे तो बार बार इसके पान की इच्छा मन में हो। मोहरहो रसिका भुवि भावुकः, मोक्ष पर्यंत इस भागवत रस का पान करना चाहिए। ये भागवत रस स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः, स्वर्ग लोक में नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, यहां तक कि वैकुंठ में भी ये भागवत रस नहीं है, कैलाश पर भी नहीं है। ये भागवत रस तो केवल इसी मृत्यु लोक में है। इसलिए हे सद्भागी मनुष्यों, जब जब अवसर मिले इस भागवत रस का पान करना। ऐसा देव दुर्लभ ये भागवत रस है। आइए हम लोग नैमिषारण्य की पवित्र भूमि की ओर चलें, जहां विशाल वटवृक्ष के नीचे परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। उनके सामने 88,000 शौनकादि महात्मा बैठे हुए हैं। सूत जी का अधिकार है शास्त्रों और पुराणों के ऊपर। हमारे यहां चार संस्कार पीठ होती हैं जीवन में। पहला है माता का गर्भ, दूसरा है पिता का कुल, तीसरा है गुरुकुल और चौथी है व्यासपीठ। चार संस्कार पीठ होती हैं हमारे, और इन चारों से जो मिलेगा वैसा ही हमारा जीवन बन के निकलेगा। इन चारों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर। व्यासपीठ भी संस्कार पीठ है। श्री सूत जी उसी व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज की वंदना की और फिर हाथ जोड़ के कहा भगवन हम सभी 88,000 महात्माओं ने बहुत विचार करके 6 प्रश्न चुने हैं आपसे करने के लिए, आप आज्ञा दें तो हम निवेदन करें थोड़ा। सूत जी ने कहा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमारा पहला प्रश्न ये है कि सभी शास्त्रों में पुराणों में गुरुजनों के उपदेशों में जीव के कल्याण का साधन क्या बताया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि आगे जो कलयुग आने वाला है उसमें तो मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है। सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती है, त्रेता युग जब आता है 1,00,000 कम हो जाता है, आयु 10,000 वर्ष की रह जाती है। द्वापर युग आता है फिर 1,00,000 कम हो जाता है, एक मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की रह जाती है। कलयुग जब आता है तो 1,00,000 फिर हट जाता है और मनुष्य की आयु कलयुग में 100 वर्ष की रह जाती है। जीवेम शरदः शतम्, हे मनुष्य तुम श्रेष्ठ हो, तुम आर्य हो,
सौ वर्ष तक जियो, स्वस्थ रहो। अरे सौ बसंत तो जीवन में पूरे कर ही लो, सौ वर्ष की आयु मिली है तुम्हें, लेकिन सौ वर्ष तक भी कौन कौन पहुंच पाता है? साठ सत्तर हुआ नहीं कि हो गई राधे राधे, हैं? तो सौ वर्ष तक भी कौन जा पाता है? और महाराज हम लोग कितना प्रयास करते हैं कि कैसे भी बचा लें, रोक लें, लेकिन जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्युः, रोक नहीं पाते। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब ये कलयुग अपनी चरम अवस्था पर जाएगा तो मनुष्य की आयु घटते घटते केवल 10 वर्ष की रह जाएगी। माने 6-7 वर्ष में तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, और उस समय कोई 10 वर्ष का स्पर्श कर ले तो लोग उसकी वैसे ही महिमा समझेंगे जैसे आज हमारे बीच में कोई 100 वर्ष को पार कर जाए तो हम कहते हैं अरे देखो इनकी आयु तो 100 वर्ष से ऊपर की हो गई। हाँ, बड़ा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि औसतन तो सब गए 70 के आसपास में, आयु कम हो रही है, पाप बढ़ रहा है, पुण्य क्षीण हो चुके हैं, शुभ कर्म लुप्त हो चुके हैं, तो आयु अपने आप ही घटती हुई चली जाएगी। तो कहा महाराज कलयुग के मनुष्य की आयु तो बहुत थोड़ी है, उसके लिए सभी शास्त्रों का पुराणों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए आप हमें समस्त कथाओं का सार कहिए, निचोड़ दे दीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से प्रकट होके आए? वे तो अजन्मा है, फिर जन्म क्यों लिया? अनामी होकर के नाम को क्यों धारण किया? वे निराकार हैं, फिर साकार क्यों हो गए? हम जानना चाहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि भगवान की लीलाओं में नारद आदि महात्माओं ने जो सहयोग किया है सो आप हमको कहिए। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान नारायण के मुख्य कितने अवतार हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितने अवतार? पहले कितने हो गए, अभी कलयुग में तो हर महीने में कोई ना कोई एक नया अवतार हो जाता है भगवान का, तो कितने अवतार माने जाएं भगवान के, थोड़ा सा आप हमको बताइए। हम और हमारा छठा प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके जब इस धराधाम को छोड़ के स्वधाम गमन कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न जब किए तो श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा हे शौनकादि ऋषियों, ये 6 प्रश्न अति उत्तम हैं और मैं इन 6 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन मैं उत्तर दूं उससे पहले मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि मैं भगवान सुखदेव की वंदना कर लूं। बिना सुखदेव वंदना के मैं इन 6 प्रश्नों का उत्तर ना दे पाऊंगा। श्री सूत जी महाराज भगवान सुखदेव की वंदना में डूब गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी की वंदना करने लगे। ये सुखदेव जी गोलोक धाम में माँ राधा रानी के पास एक नन्हे से शुक पक्षी के रूप में वास करते हैं, तोते के रूप में वास करते हैं हम, और राधा रानी अपने हाथों से अनार के दाने इस शुक पक्षी को खिलाती। महाराज एक दिन सुखदेव जी के सिर पर राधा रानी ने हाथ फेरा और कहा बेटा शुक, आज मेरे मन में एक इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा आज्ञा करें मां।
बोले मैं ये चाहती हूं कि तुम मृत्यु लोक में अवतार लो। क्यों? आप मुझे गोलोक से मृत्यु लोक क्यों भेजना चाहती हैं? बोले बेटा मैं ये चाहती हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करो, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। और जो मृत्यु लोक में श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करता है, जो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार। इसलिए तुम मृत्यु लोक में अवतार लो और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मां। मृत्यु लोक में परम दिव्य है कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत पर एक बहुत विशाल वटवृक्ष है। वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक है। शिव का स्वरूप हम वट को मानते हैं। शिव के समान ही जटाएं वटवृक्ष में से निकलती हैं। अगर वटवृक्ष के 11 पत्ते लेकर के माला बना ली जाए और सिंदूर से उस पर श्री राम का नाम लिख दिया जाए, मंगलवार को अथवा तो शनिवार को श्री हनुमान जी को धारण करा दिया जाए, तो हनुमान जी मन वांछित इच्छा को पूरा कर देते हैं। ऐसी महिमा है वटवृक्ष की। वट विश्वास अचल निज धर्म, वट विश्वास का प्रतीक। इस वटवृक्ष पर एक शुक पक्षी और पक्षिणी का घोंसला है। आज राधा रानी की आज्ञा अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज शुक पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में प्रकट होकर के आए। घोंसले में ये दिव्य अंडा रखा है, लेकिन कैलाश का वातावरण तो ठंडा है, थोड़ा बर्फीली हवाएं चल रही हैं और अचानक ये अंडा खंडित हो गया। अपने खंडित अंडे को शुक पक्षी और पक्षिणी ने देखा तो दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। और मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि उस घोंसले को छोड़ के दोनों उड़कर के दूर चले गए। वो खंडित अंडा वहीं घोंसले में पड़ा है, लेकिन सुखदेव जी का प्रादुर्भाव तो अभी ना हुआ, अंडा तो खंडित हो गया। देवर्षि नारद का ध्यान गया जब इस ओर, तो उनको चिंता हुई। हमारा मन जैसे चारों ओर घूमता है, ऐसे ही भगवान नारायण के मन है देवर्षि नारद। गायमानश्चराम्यहम्, वे भी चारों ओर घूमते रहते हैं। नारद जी ने सोचा ऐसी कुछ लीला करूं कि भगवान सुखदेव का प्राकट्य हो, श्री कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार तो तभी हो पाएगा, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार तो तभी होगा, इसलिए कुछ लीला करनी होगी। नारद जी ने मन में विचार किया, देखो लक्ष्मी नारायण में मैं झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी एक बार झगड़ा कराया है, लेकिन ये शिव पार्वती ऐसे हैं जिनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और बड़ा गृहस्थी लोग रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करते हैं, बड़ा सब कुछ भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, तो ये गृहस्थी लोग जिन शिव पार्वती का पूजन करते हैं, चलो आज थोड़ा सा इन दोनों के बीच में भी झगड़ा करा के देख लिया जाए कि क्या होता है। महाराज, बड़े से बड़ा वीर रणभूमि में किसी को बाण से मार सकता है, पर देवर्षि नारद हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे हैं जो अपनी वाणी से ही मार देते हैं, और जो असर बाण का नहीं होता उससे ज्यादा प्रभाव वाणी का होता है। सो नारद जी ने वीणा करताल ली और चले कैलाश की ओर। नारायण 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 करते हुए कैलाश पर आ गए। भगवान शंकर का दिव्य महल बना हुआ है वहां। शंकर जी नंदी पर सवार होकर के घूमने के लिए गए हैं,
माँ पार्वती महल के अंदर है, महल का द्वार लगा है और देवर्षि नारद द्वार पर आ पहुंचे। नारायण 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 नाम लिया। पार्वती जी के कानों में जैसे ये आवाज पहुंची, नारद जी पार्वती जी के गुरु भी हैं, तो उनको लगा अरे ये तो मेरे गुरुदेव की आवाज है, मेरे गुरु जी आए हैं क्या। सो दौड़ लगाई, दौड़ती हुई आई और आकर के जैसे ही महल के द्वार को खोला, सामने तेजस्वी भगवान नारद को खड़ा हुआ पाया। आइए ना गुरुदेव, स्वागत है आपका, प्रणाम करती हूं, आइए 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 अंदर आइए। अंदर ले आए, सुंदर आसन बिछाया, नारद जी को विराजमान किया। दौड़ करके गई रसोई में, किसी सेवक की प्रतीक्षा नहीं की और जलपान सब सजा करके अपने हाथों में उठा करके लाई और नारद जी के सामने रखा, हाथ जोड़ करके बैठ गई। नारद जी ने पूछा माता भगवान भोलेनाथ नहीं दिखाई देते, कहां पर है। कहा साहब वो तो बैल पर बैठ के घूमने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही महल में। जी मैं। नारद जी मौन हो गए, जलपान की ओर देखा, फिर पार्वती जी की ओर देखा, फिर जलपान की ओर देखा। पार्वती जी ने कहा गुरुदेव एक प्रश्न करूं। पूछिए माता। बोले आजकल मैं देखती हूं आप थोड़ा गंभीर ज्यादा रहते हैं, थोड़ा हंसते कम है, और मैंने देखा इन दिनों आपने थोड़ा घूमना फिरना भी कम कर दिया, देवताओं के कार्यक्रमों में भी आप कम ही दिखाई देते हैं, क्या बात है। कहा माता अब बात यह है, आजकल हमने थोड़ा घूमना फिरना कम कर दिया है, आजकल मैं गंभीर ही रहता हूं। क्यों। बोले बात यह माता, चारों तरफ सब कुछ बनावटी सा लगता है, वास्तविक प्रेम कहीं दिखता नहीं, सो हमने भी सोच लिया कि अब थोड़ा आना जाना तो कम ही कर दें, एक जगह बैठे और भगवान का भजन कर, इसलिए अब मैं थोड़ा कम आता जाता हूं। लेकिन देखो माता अब मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, मैं कैलाश पर तो अवश्य आता हूं। पार्वती जी ने कहा आपकी बड़ी कृपा है गुरुदेव हमारे ऊपर। कहा माता एक अंदर की बात आपको बताऊं। बताइए ना गुरुदेव। बोले ये लक्ष्मी नारायण के बीच में झगड़ा होता है रात में, देखो मुझे पता है आपको कहता हूं, हाँ ये ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन आप में और भगवान भोलेनाथ में तो मैंने कभी नहीं सुना कि झगड़ा हुआ हुआ। कहा गुरुदेव आपका ही तो आशीर्वाद है, सत्य ही है, मेरे पति के और मेरे बीच में कोई छिपाव नहीं, तो झगड़ा क्यों हो। मेरे पति तो भोले भंडारी हैं, वे समाधि में जब भगवान की किसी लीला का दर्शन करते हैं सो तुरंत आंख खोल के बगल में मैं बैठी रहती हूं, मुझे बता देते हैं, देखो पार्वती आज मैंने लीला में ऐसा देखा है, आज मैंने श्री कृष्ण की ये लीला देखी, आज मैंने श्री राम की ये लीला देखी। अरे गुरुदेव जिस गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, गोप नियम गोप नियम गोप नियम प्रयत्नतः, वो गुरु मंत्र भी मेरे पति ने मुझे बता के रखा। बताओ अब झगड़ा किस बात पर हो, कोई छिपाव तो है नहीं बीच में। ओहो हो माता कभी झगड़ा नहीं हुआ। कहा नहीं नहीं गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी, कभी झगड़ा नहीं हुआ। कहा माता तभी तो मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। आजकल लक्ष्मी नारायण में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी जरा सब ठीक नहीं चलता है। माता मेरे मन में आपके पति के बारे में बहुत दिनों से एक प्रश्न है, अब वे आपसे कोई बात जीवन की छिपाते नहीं, तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं वो प्रश्न कर लूं आपसे। कहा पूछिए ना गुरुदेव क्या पूछना चाहते हैं। कहा माता ये बताइए आपके पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे हैं। हाँ अब पार्वती जी को तो सब कुछ मालूम, लेकिन यही नहीं मालूम जो गुरुदेव ने उनको पूछ लिया नारद जी ने, और यदि मालूम होता तो नारद जी इतनी दूर से चल के ना आते, नारद जी ऐसे ही नहीं जाते कहीं। हाँ पार्वती जी सोच में पड़ गई, अब मेरे पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे हैं।
मौन हुई तो नारद जी ने कहा, माता क्या हुआ इतना विचार? अरे मैं ये पूछता हूं कि आपके पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे? पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करिएगा, मुझे सब मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम जो आपने मुझसे पूछा है। मुझे नहीं पता कि मेरे पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे। जैसे ये बात सुनी नारद जी को आया क्रोध, उठ करके खड़े हो गए, सरका दिया जलपान को, बस हमारा मन तो खट्टा हो गया, हम जाते हैं माता यहां से। अरे रे गुरुदेव क्रोध ना करिए, ये जलपान सजाया कुछ तो लीजिए आप। कहा नहीं नहीं हमारा मन तो खट्टा हो गया, बस हम तो चलते हैं यहां से। जब माता तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारे पति जिस मुंड माला को गले में पहन करके बैल पर बैठ करके समस्त लोकों में घूमते उसमें किसके मुंड लगे, तो फिर तुम ये क्यों कहती हो कि तुम्हारे पति अपने जीवन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाते? इतना बड़ा धोखा, अरे ऐसा तो हमने लक्ष्मी नारायण के बीच में भी नहीं देखा, ऐसा हमने ब्रह्मा ब्रह्माणी के बीच में नहीं देखा, इतना बड़ा छिपाव, हम तो जा रहे हैं यहां से। महाराज एक ही मिनट में ऊपर से बिल्कुल नीचे कर दिया। नारद जी ने लगाई दौड़, पार्वती भी दौड़ी, गुरुदेव रुकिए, मानिए सुनिए मेरी बात। अब नारद जी कोई जलपान करने थोड़े ही आए, जलपान तो उनके लिए हर घर में रखा रहता है जहां चले जाए। महाराज सीधे महल के बाहर, पार्वती जी द्वार तक आई और फिर आया परम्बा जगदम्बा को क्रोध, सो अलंकारों को उतार करके फेंक दिया और मलिन वस्त्रों को धारण करके कोप भवन में जाकर के पार्वती जी बैठ गई। क्रोध आने लगा। पुराने समय में वास्तु शास्त्र के अनुसार जब घर महल आदि बनाए जाते थे तो उसमें एक विशेष भवन बनाया जाता था, उसको बोलते थे कोप भवन। कहा महाराज कोप भवन में क्या होता था? बोले जब घर में किसी को कोप आता था तो वो उस भवन में जाकर के बैठ जाता था, जिससे घर के अन्य सदस्यों को ये ज्ञान रहे कि इसको कोप आ रहा है तो भैया आज इससे थोड़ा दूर ही रहो। हाँ बनाते थे कोप भवन, आज नहीं बनाते। कहा महाराज आज क्यों नहीं बनाते ये भी बता दीजिए, आज कोप भवन क्यों नहीं बनाते? कहा भैया पूरा घर ही कोप भवन हो गया तो अब बनाए कहाँ अलग से, हाँ बचाई क्या इसमें, जहाँ जाओ घर में वहीं कोप वहीं क्रोध, अब कहाँ बनाए अलग से कोप भवन, इसमें बचा कहाँ जगह। हो सकता है प्राचीन समय में जहाँ आग्निकोण होता है वहीं बनाते होंगे कोप भवन। बैठ गई पार्वती जी कोप भवन में जाके। नारद जी महल के बाहर निकले, उसी समय सामने से नंदी पर सवार होके भगवान शंकर लौट करके आ रहे। शंकर जी ने जैसे ही नारद जी को अपने महल से निकलता हुआ देखा, सच मानना भगवान शिव के मुख पर भी एक बार तो पसीना ही आ गया। नारद जी मेरे घर से बाहर निकलते हैं, नारायण 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 प्रभु अब आप ही रक्षा करना। नारद जी सामने से आए, नारायण 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 आकर के प्रणाम किया, भगवान शिव ने भी प्रणाम किया और कहा नारद जी आप मेरे महल से बाहर निकलते साहब। कहा बात यह भोलेनाथ, अब मैं आपका और माता का दर्शन करने आया था, सो माता का दर्शन मुझे महल में हुआ लेकिन मेरा भाग्य देखिए बाहर निकला तो आपका भी दर्शन हो गया। लेकिन एक बात कहूं, आप थोड़ा जल्दी जाओ महल में। हाँ क्यों? बोले माता जी को बहुत क्रोध आ रहा है, हाँ कोप भवन में ही मिलेंगी आपको और उनको कुछ आपसे पूछना है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जाओ। शंकर जी ने कहा गुरु जी थे पधारा महारा घर में तो कोई ना कोई मंत्र दे करके यासी हाँ मैं जाता हूँ। कहा जल्दी जाओ। अब तो भगवान शंकर अपने महल के अंदर प्रवेश करके आए, सीधे कोप भवन की ओर भगवान शिव, और जब कोप भवन में प्रवेश किया तो पार्वती जी को देखा मलिन वस्त्रों को धारण करके बैठी। भगवान शिव ने आके पूछा देवी क्या बात है आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है?
पार्वती जी ने कहा, आपने जीवन में इतना बड़ा कपट मेरे साथ किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इतना बड़ा छिपाव मेरे साथ। मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद आज यहां आए और मैंने कितने भाव से कहा कि आप अपने जीवन की कोई बात मुझसे नहीं छिपाते, आपके मन में मेरे प्रति कोई कपट नहीं है। और एक ही बात उन्होंने पूछी, मैं उसका उत्तर ना दे पाई, मेरी तो सारी की सारी बात ही खराब हो गई। भगवान शिव ने कहा, नारद जी मुझको बाहर मिले, क्या पूछा आपके गुरुदेव ने, थोड़ा बताइए ना। कहा, मेरे गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे बताओ। आप जिस माला को दिन रात अपने गले में डाल करके चारों ओर घूमते हैं उसमें किसके मुंड लगे, आपने आपने कभी बताया नहीं मुझे, इतना बड़ा कपट मेरे साथ। भगवान शंकर इस बात को सुनकर के रोने लगे सज्जनों, और उनके नेत्रों से जल धारा बहने लगी। कहा, देवी मेरे मन में तुम्हारे प्रति कपट है, इसका प्रतीक ये मुंडमाला नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, इसका प्रतीक ये मुंडमाला है। तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, इसमें छिपाने जैसी तो कोई भी बात नहीं। देवी क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरी इस मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं। कहा, बताइए। बोले, ये समस्त मुंड तुम्हारे ही हैं। प्रत्येक लीला में जब जब तुमने लीला पूर्ण होने के बाद अपने देह को त्यागा तब तब तुम्हारे ही मुंड को उठा करके मैंने अपनी माला में पिरो लिया। ये सब आपके ही तो मुंड हैं, इसमें कपट जैसा कुछ भी नहीं। पार्वती जी ने कहा, तब तो आपने और भी बड़ा कपट मेरे साथ किया है। कहा, इसमें क्या कपट है। बोले, आपने ऐसी कौन दवाई पी रखी है कि आपको कभी अपना देह नहीं त्यागना पड़ता और मुझे लीला में बार बार अपना देह त्यागना पड़ता है। कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है और उस अमर कथा के पान के कारण मुझे कभी भी अपने देह को त्यागना नहीं पड़ता। मैंने श्रीमद् भागवत की अमर कथा का पान कर रखा है। पार्वती जी ने कहा, तो वो अमर कथा आप मुझे भी पिलाइए, मैं भी उसका पान करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अमर कथा तो दूं, लेकिन मुझे चिंता यह है कि मैं समाधि में कथा कहता हूं नेत्र बंद करके, और मैं नेत्र बंद करके कथा कहूं उस बीच में यदि कहीं आपको नींद आ गई तो बताइए कथा पूरी कैसे सुन पाएंगे, आप कैसे उसका पान कर पाएंगे। पार्वती जी ने कहा, मैं एक उपाय करती हूं। क्या। बोले, आप नेत्र बंद करके समाधि में अमर कथा कहें तो मैं बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रहूंगी, आपके कानों में ओंकार की ध्वनि जाएगी तो आपको ये ज्ञान बना रहेगा कि मैं जागते हुए अमर कथा का पान कर रही हूं। अनुनय विनय किया भगवान शंकर को और शिवजी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तेषां शंभु प्रसीदति ऑर्डरदानी है। अपने घर में सर्व प्रकार से यदि समृद्धि चाहिए हो तो जितनी प्रकार की दाल होती हैं, मसूर की दाल छोड़ करके सब दाल में से थोड़ा थोड़ा आप लीजिए, उसको मिलाइए, भिगो लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, उसको पीस लीजिए, और यदि बहुत संभव हो सके तो गाय के सींग का स्पर्श किया हुआ जल थोड़ा सा उसमें मिला दीजिए, और पीस करके जो तैयार हो जाए उससे शिवलिंग को मलकर के भगवान शंकर को स्नान कराइए, और फिर भगवान शंकर का विधिवत पूजन करिए। यदि 7 सोमवार ऐसा कर दिया व्रत रखने के साथ तो भगवान शंकर मन वांछित देने के लिए तैयार हो जाते, जो भी आपको चाहिए वो शंकर जी से लिया जा सकता है। यदि पूर्णिमा को अनार के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कर दिया, यदि प्रत्येक सोमवार ही भगवान शिव को अनार के रस से नहला दिया
तो शिवजी मन वांछित को पूरा कर देते हैं। ऑर्डर दानी है वे। भगवान शिव का प्रिय आहार गुग्गल है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के साकल्य में एक पदार्थ मिलाते हैं जो गोंद के समान होता है, उसको गुग्गल कहा जाता है। भगवान शिव का प्रिय आहार है। यदि 7 सोमवार व्रत रख करके गुग्गल के 111 टुकड़े ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, तो शिवजी की संपूर्ण कृपा जीवन में प्राप्त होती है। ये गुग्गल गौमूत्र से प्रकट है। हम लोग एक रत्न पहनते हैं अपने हाथ की उंगली में, उसको गोमेद कहा जाता है। गोमेद का जो रंग है वही गुग्गल का रंग होता है। गोमेद और गुग्गल का जो रंग है वही गौमूत्र का रंग होता है। तो गौमूत्र से दोनों प्रकट हैं, इसलिए उनका रंग वैसा ही होता है। और गौमूत्र से प्रकट गुग्गल भगवान शंकर का प्रिय आहार है। यदि 7 सोमवार 111 गुग्गल से उनका अभिषेक कर दिया जाए तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बड़ी से बड़ी कोई समस्या जीवन की हो, जिसका समाधान ना मिल रहा हो, कोई बड़ी से बड़ी कठिनाई जीवन में आ गई हो, तो ऐसा प्रयोग करके शिव कृपा से उसका समाधान किया जा सकता है। शिवजी कृपा करने वाले हैं। महाराज भगवान शिव प्रसन्न हो गए, सो पार्वती को लेके महल के बाहर निकल के आया और उसी वटवृक्ष के नीचे आकर के भगवान शिव ने मृग छाला को बिछाया, जिस वटवृक्ष पर घोंसले में वो खंडित अंडा पड़ा हुआ है। बागंबरधारी भगवान शिव मृग चरम पर विराजमान हुए, त्रिशूल को गाड़ दिया जिसमें बंधा है डमरू, कमर में लगी है दिव्य श्रृंगी, और भगवान शिव के सामने पार्वती जी हाथ जोड़ करके बैठ गईं। भूमि पर पार्वती, वट व्यास पीठ पर भगवान शंकर, और शिव जी के नेत्र बंद हुए, मेरे गोविंद का स्मरण किया और भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे। महाराज पार्वती जी अमर कथा का पान कर रहे हैं।